मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनेकों जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के ग्राम सुखपुरी के करीब 50 से अधिक बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए महिलाएं एक साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही है। महिलाओं का कहना है कि हमने पंचायत से लेकर तो जनपद तक समस्या बताई, लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ। अब महिलाओं ने कलेक्टर भव्य मित्तल को समस्या बताते हुए निराकरण हो इसकी मांग की है। लोकल 18 की टीम को सुखपुरी गांव में रहने वाली स्वाति बाई ने जानकारी देते हुए बताया कि लाडली बहना योजना का लाभ गांव की सभी महिलाओं को मिल रहा है, लेकिन हम 50 महिलाएं ऐसी हैं कि जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि हमने तीन तीन बार आवेदन दिए हैं, लेकिन आज तक भी हमारी समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ है। हमें पंचायत द्वारा भी यह नहीं बताया जा रहा है कि हमारे आवेदन में कहाँ गलती हुई है या क्या समस्या जारी है। हम सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। अब कलेक्टर भव्य मित्तल ने हमारी समस्या सुनने के बाद वरिष्ठ अफसरों से पत्राचार कर हमें योजना का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया है। योजना के पैसे नहीं मिल रहे हैं, हमारे गांव में कोई हमारी सुनवाई ले रहा नहीं। हमने दो तीन बार फॉर्म भरे, हमारे को पैसे मिल रहे नहीं। हम जा रहे उनके पास तो वो बोल रहे हड़ताल पे है। हम नहीं, मतलब हमारे को बंद हो जा रही है इसकी मारी नहीं बोले। कितने दीदी हो आप ऐसी? हम बहुत 40-50 दीदी है। अच्छा, तीन चार बार फॉर्म भरे वो भी हुआ नहीं, बोलते हम हड़ताल पे बैठे है, सुनवाई कोई ले नहीं रहा था। 1.5 साल हो गया, अभी 12 महीने से भी ज्यादा हो गए होंगे, अभी तो हमारी सुनवाई नहीं हुई। कौन से गांव के हो? हम सुखपुरी के हैं। कितनी महिलाएं जिनको लाभ नहीं मिल रहा? 40-50 होंगी अभी। आप कहाँ पर पहुंचे आप? कार्यालय कलेक्टर कार्यालय। क्या चाहते हो आप? हमारे लाडली बहना का बस चालू हो जाए, हमें पैसे मिलने, बस इतनी दिक्कत है। क्या नाम है आपका? सरोज।